क्या कह रहा है कि ए कारपेंटर वाज हायर टू बिल्ड 192 विंडो फ्रेम्स। अच्छा कितने फ्रेम्स बनाने हैं? 192 विंडो फ्रेम्स बनाने हैं कि टोटल विंडो फ्रेम इतने हैं। द फर्स्ट डे ही मेड 5 फ्रेम्स एंड ईच डे देयर आफ्टर ही मेड 2 मोर फ्रेम्स देन ही मेड द डे बिफोर। यानी कि हर एक डे पहले दिन 5 फ्रेम बनाता है और अगले दिन इंक्रीज कर देता है पिछले दिन से 2 एक्स्ट्रा, यानी कि अगले दिन फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे करके। हाउ मच डिड ही हाउ मच डेज डिड इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब। यानी कि ये टोटल विंडो को ये पेंट करने में, सॉरी बनाने में, कारपेंटर हम जी बनाने में कितना टाइम लगाएगा, कितना दिन लगाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द टाइम टाइम टेकन बाय द कारपेंटर कारपेंटर टू फिनिश द जॉब जॉब एन डेज। हम लोग मान लेते हैं वो एन डेज में ये फिनिश करता है। अच्छा, नंबर ऑफ फ्रेम्स मेड इन फर्स्ट डे ए वो है 5। अच्छा, द कॉमन इंक्रीमेंट इन फ्रेम, यानी कि डी वो है 2, हर एक दिन 2 फ्रेम से अधिक कर रहा है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स फ्रेम्स ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स यानी कि इसे एस एन से डिनोट कर देते हैं और वो है आपका कितना, 192। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला आता है, एन निकालना है ना जी। एन बाई टू, 2a प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में 192। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर एन के जगह पे कुछ नहीं, एन तो हमें फाइंड करना है। 2a के जगह पे कितना है जी, तो पहले दिन 5 फ्रेम मेड करता है ना जी, एन माइनस 1, और डी की जगह पे यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 इक्वल टू में 192। अंदर से 2 कॉमन कर ले क्या, एन बाई टू इंटू में 2 यहाँ पर जाएगा 5 और यहाँ एन माइनस 1 इक्वल टू में 192। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद देखते हैं, एन इंटू में एन प्लस का 4 इक्वल टू में 192। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस 192 इक्वल टू में 0। अब इसके बाद इसका फैक्टर करते हैं, एन स्क्वायर माइनस का, अच्छा प्लस का 16n कर देते हैं और माइनस का 12n और माइनस 192 इक्वल टू, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा और सबट्रैक्ट करेंगे तो 4n आ ही रहा है। तो यहाँ से n कॉमन, n प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन, n माइनस n प्लस का 16 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में n प्लस 16 है, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, n माइनस 12 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अलग अलग करते हैं और 0 लगाते हैं, यहाँ पर n प्लस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से n का वैल्यू, माइनस का 16 और यहाँ से n का 12, तो नंबर ऑफ डेज निगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेज नॉट बी निगेटिव, इसलिए देयर फोर n का वैल्यू 12, यानी कि लिख सकते हैं, सो द कारपेंटर कारपेंटर टेक्स 12 days to finish the job. जॉब को फिनिश करने में उसको कितना दिन लगेगा, 12 day लगेगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर।